असी धन्नवादी हाँ जथेदार संत बाबा निहाल सिंह जी मुखी तरना दल हरियां वेलां जिन्हां दे आशीर्वाद नाल इह प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा है। प्रोग्राम करिश्मा विशा गुस्सा अते हिंसा किसे नूं मारना कुटना खून खराबा ते उसका विचार करना भी हिंसा है। मारकुट खून खराबे कारण वड्डे वड्डे राजे महाराजे बर्बाद हो गए ता आम इंसान दी की औकात है। शास्त्रां विच क्रोध साड़ा मंदे बोल निंदा किसे दे बुरे दी कामना जा बुरा करना आदि तामसिक अवगुण दी श्रेणी विच गिनाए गए हैं। वो सब हिंसा दे ही अस्त्र शस्त्र हैं। इंसान जदों इन्हां दी वरतों करता है तां दूजां तो ज़्यादा नुकसान उसका अपना ही हुंदा है। गुस्सा तां वो घातक हथियार है जो क्रोध करन वाले दा पहला खून साड़दा है जीव ते विराजमान रसायन सलाइवा नूं नुकसान पुजदा है। क्रोध दी हालत विच गल सुकण लगदा है ते सलाइवा दे घट होण कारण हाजमा विगड़दा है। इसे तरह किसे दा मंदा चाहुण जां मंदा करन वाले इंसान दी अंतर आत्मा उसनूं लानता पाउंदी है जिस सदका वह अंदरों टुट जाता है। अजिहे लोग मानसिक रोगी तक हो जाते हैं। वह उदासी की बीमारी की लपेट विच आ जाते हैं। उम्र वधण ते भुलण की बीमारी तो तय ही है। इस तरह उकत ना पक्षी वतीरिया सदका होरां तो पहला खुद के शरीर की जीवनदायक तंत्र नाल हिंसा हुंदी है। इसलिए ऋषियां मुनिया ने इस तो बचण का उपदेश दिंदिया अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत दिता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का रस्ता इसलिए भी अपनाया कि इस नाल आत्म शक्ति कमज़ोर नहीं हुंदी। उन्होंने आज़ादी का अंदोलन भी किया तो इस नाल स्विनय अवज्ञा का शब्द भी जोड़िया। इहो कम भगवान श्री राम दे वक्त अयोध्या वासियां ने भी किया सी। जब श्री राम नू पिता दशरथ ने वनवास दे दिता तो अयोध्या वासी हिंसा की थां अन्न जल त्याग देंदे सन। अयोध्या विच किते भी दशरथ के फैसले के विरोध विच हिंसक घटनावां नहीं होईयां। जनता के मूक विरोध नू दशरथ सह नहीं सकते। भगवान कृष्ण भी गीता दे 17वें अध्याय विच बाणी दे तप नाल अर्जुन नू ज्ञान दिंदे होए अण सुखावें ते मंदे बोलां तों बचण दी सलाह दिंदे हन।